जो सुख फकीरी में है वो और कहां। ऐसा करते हुए दोनों शिष्यों में आपस में बहस हो जाता है। बहस इतना ज्यादा हो जाता है कि यह बात संत जी तक पहुंच जाती है। संत जी के पास जब दोनों शिष्य जाते हैं तो दोनों कहते हैं, संत जी आप बताइए, मैंने सही कहा या उन्होंने सही कहा। संत जी कहते हैं, मैं ऐसे फैसला नहीं लूंगा जो आप कह रहे हो, मैं यूं फैसला नहीं लेने वाला। आपको इस फैसले के लिए एक कार्य करना है। संत जी कहते हैं, आपको 50 किलोमीटर की दूरी को तय करना होगा। उस दूरी को तय करने के बाद आपको खुद खुद पता चल जाएगा कि असल में जिंदगी होती क्या है। संत जी क्या करते हैं, दोनों शिष्यों को दो थैले, जो फकीरी की तरफ दानी करता है, संत जी उसे एक थैला देते हैं, उसे बहुत सारी सामग्री को भर देते हैं खाने पीने की और बोलते हैं, इसे आपको लेकर जाना है, रास्ते में जो भी जरूरतमंद अगर दिखाई देते हैं तो आपको इस थैले से निकाल कर उन्हें कुछ दे देना है। वहीं पर दूसरी तरफ जो विलासिता पूर्ण बातें करता था, संत जी क्या करते हैं, उसे एक खाली थैला देते हैं और कहते हैं कि रास्ते में जो कोई भी वस्तु कीमती दिखाई दे उसे इस थैले में डाल। ऐसा कहने के बाद दोनों शिष्य तैयार हो जाते हैं और अपना सफर स्टार्ट करते हैं। होता क्या है, जो फकीरी की तरफ जाने करता है, रास्ते में उसे जो कोई भी भूखा दिखाई देता है और जरूरतमंद दिखाई देते हैं, वो थैले में से अपने सामान को निकालता है, उन्हें लेता चला जाता है। और ऐसा करते हुए उसका थैला क्या होता है, हल्का हो जाता है और उसके लिए सफर आसान होता है। वही दूसरी तरफ जो विलासिता की तरफ दानी करता है, वो क्या करता है, रास्ते में कुछ सफर तय करता है, उसे एक सोने की ईंट दिखाई देती है, वो क्या करता है, उस ईंट को उस थैले में डालता है, कुछ दूर और चलता है, उसे दूसरी ईंट सोने की दिखाई देती है, उसको भी उसमें डालता है। ऐसा करते हुए उसे जैसे ही सफर तय करता है, उसे बहुत सारी ईंटें दिखाई देती है और थैले में उसको डालना शुरू कर देता है। अंततः यह होता है कि उसका थैला इतना भारी हो जाता है कि उसका आगे का सफर चलना मुश्किल हो जाता है। अब क्या होता है, आदत ऐसा होता है कि वह अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाता है और बीच में ही वह रुक जाता है। दूसरी तरफ जो फकीरी की तरफ कार्य करता है, वो क्या करता है कि अपने थैले को लेकर जाता है और थैला एकदम हल्का हो जाता है और अपनी मंजिल को वह प्राप्त कर लेता है। इस तरह से दोनों क्या करते हैं, अपनी अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं। जिसका थैला भारी रहता है वह बीच में ही रुक जाता है और जिसका थैला भरा हुआ है, थैला भारी होता है वह बीच में ही रुक जाता है, अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाता है। और जिस जो फकीरी की तरफ जाने लगता है, उसका थैला हल्का हो जाता है और वो अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेता है। इस बात से मैं आपको, हम सभी को एक चीज बताना चाहूंगी, इस बात पे गौर करिएगा कि 60 साल की उम्र के बाद हमसे कोई ये नहीं पूछता है कि आपके पास बैंक बैलेंस कितने हैं। हमसे सब यही पूछते हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपके बच्चे कैसे हैं, आपके बच्चे क्या करते हैं। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए उस समय को, उस ज्ञान को अपने स्वास्थ्य के ऊपर केंद्रित करें और अपने बच्चों को ऊपर। तो आइए, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम अपने जीवन को सोने की ईंट के जैसा भारी बनाकर मंजिल के पाने से पहले क्यों रुक जाएंगे। हम अपने जीवन को फकीरी की जिंदगी जीकर के अपने मंजिल को, अपने हम अपने को